मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को एक ही चरण में सभी 230 सीटों के लिए वोटिंग हुई। मतदान का प्रतिशत 75% से ज़्यादा रहा। ग्वालियर जिले की भी सभी 6 सीटों पर वोटिंग हुई। इस दौरान ग्वालियर दक्षिण विधानसभा सीटों से कांग्रेस प्रत्याशी व विधायक प्रवीण पाठक की जिला कलेक्टर से जमकर बहस हुई। प्रवीण पाठक ने कथित भाजपा नेताओं के इशारे पर काम कर को जमकर लताड़ा और खूब खरी कोटी सुनाई। दरअसल ग्वालियर के मुस्लिम बहुल्य इलाका अवार्डपुरा में वोटिंग की धीमी रफ्तार को लेकर विधायक व कांग्रेस प्रत्याशी प्रवीण पाठक खपा थे। कांग्रेस प्रत्याशी का आरोप था कि दोपहर 2 बजे के बाद से लोग लाइन में लगे हैं, लेकिन उनका वोट नहीं डलवाया जा रहा है। जबकि कलेक्टर ग्वालियर का कहना था कि वह अपना काम कर रहे हैं। इसी को लेकर दोनों के बीच अच्छी खासी तू-तू में हो गई। नेट साउंड। ये क्या है, ये आपके इलेक्शन एजेंट है क्या? नहीं, ये गलत, ये ये तरीका है, ये क्या क्यों खड़े इतने लोग जा रहे बाहर बता रहे हैं मेरे कहने पे? नहीं मतलब अच्छा से बोलिए ना। नहीं नहीं, आप ये नहीं, ऐसा नहीं, आप ही को जवाब।